मुसलमानों गौर करो, मुसलमानी की दावा तो हम करते हैं मगर उर्दू ने आगे भी इरशाद फरमाया है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी इरादतन। दुकानें खुली हैं, बैठे हैं मुसलमान, कारोबार कर रहे हैं, मस्जिद बराबर में है, नमाज पे जाने को तैयार नहीं है, तो ये जानबूझकर नमाज छोड़ने का एक तरीका है। वह नमाज के लिए तो ये है, इज़ा नूदी अलिस्सलात मिन यौमिल जुमा फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जब तुम अल्लाह के बुलावा समझो और सुनो तो फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के नमाज की तरफ दौड़ो, भागते जाओ कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं तकबीर ना निकल जाए। मगर हम मुसलमान इसी दर्जे पर पहुँच चुके हैं, मस्जिद के बराबर में घर है, मस्जिद के महल में बैठे हैं, अजान आ गई है, तकबीर हो गई है, नमाज की कोई परवाह नहीं है, तो वो कैसा मुसलमान? अगर ऐसे नाम ने आज मुसलमान को हम काफिर भी कहे तो गुनाह नहीं होता। क्यों? लिकुल शैन अलमुन व अलमुल ईमान असला। और मन तरक सलात मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर इरादतन नमाज छोड़ी, फकत कफर, उसने कुफर किया, वो काफिर हुआ। तो अगर हम बेनमाजी को काफिर भी कह दें तो गुनाह नहीं होता, उस बेनमाजी को नाराज भी नहीं होना चाहिए कि मैं काफिर कहता है। अरे हम नहीं कहते, रसूलुल्लाह फरमा रहा कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है और टाइम टेबल का ख्याल नहीं रखता और अमदन नमाज छोड़ देता है, इरादतन नमाज छोड़ देता है, वो मुसलमान ही वो काफिर है। मैं नहीं कहता, हुजूर फरमा रहे, तो फिर मेरे कहने पर आप नाराज ना हो, आप रसूलुल्लाह के फरमान को देखो, ये भी हुज़ूर ने फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान में फ़र्क भी नमाज है।